Hello everyone, hi, welcome back, and today we are doing this fall makeup look by using product which are sitting in my vanity for like so long. मैंने इन्हें बहुत दिनों से यूज नहीं करा है और कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिन्हें मैंने सालों से यूज नहीं करा है, मैं भूल गई हूँ ये कैसे हैं, कैसा वर्क करते हैं. तो मैंने आज ही ओपन करे हैं जो रखे हुए थे मेरी वैनिटी में 6 से 7 महीने से. सो हम करने वाले हैं आज मेकअप लुक यूजिंग प्रोडक्ट जिन्हें मैं भूल गई हूँ कि वो मेरी वैनिटी में रखे हुए थे. अपनी वैनिटी से ही शॉप किया इन्हें दोबारा से. सो या दैट्स इट एंड एंजॉय करो दिस मेकअप लुक. दिस मेकअप लुक इज़ वेरी सिंपल. प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा बात करी है एज कम्पेयर देन मेकअप लुक के बारे में, बट दिस मेकअप लुक टर्न आउट वेरी वेरी प्रिटी एंड वेरी लाइक वेरी फॉल मेकअप लुक. सो या आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. Enjoy. Know that it's a fall. So मेरी स्किन तो बहुत जल्दी ड्राई होती है. सो मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था 30 मिनट्स पहले एंड मुझे फिर से मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा बिकॉज माई स्किन इज एक्सट्रीमली ड्राई. गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट मेकअप एंड हाउ टू यूज सम मेकअप प्रोडक्ट्स. सो जो कुछ क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं इस वीडियो में दे दूंगी, लाइक हाउ टू अप्लाई पोर फिलिंग प्राइमर इफ यू हैव ड्राई स्किन. नो दैट आई एम टू लेट, बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नायका का प्रेप मेकअप एंड इट्स अ प्राइमर. इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो आपके पोर्स को एंड आपकी स्किन को स्मूथ करता है. यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया है लगाने के लिए. मेरी स्किन पे इतने कंसर्न नहीं है प्राइमर के लिए, बट रिसेंटली आई स्टार्ट यूजिंग प्राइमर एंड आई रियली सी द डिफरेंस कि मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है एंड लाइक यू कैन सी दैट लाइक वेरी ब्लरी स्मूथ स्किन विच आई एम ऑल फॉर. आई रियली लाइक इट. सो या इट्स अ गुड प्राइमर एंड वेरी अफोर्डेबल. स्मैच बॉक्स के प्राइमर की तरह यू कैन सी दैट वेरी स्मूथ. We are using my new cushion foundation. So ये सिलो का एंड इट्स अ कोरियन ब्रांड. मैंने ये ओपन भी नहीं किया है, मैं अगर तुम्हें रियलिटी बताऊँ तो. सो यू कैन सी दैट कुशन एंड द पैकेजिंग. ओह माय गॉड इट्स लक्स लक्स लक्स. मैंने मिरर भी ओपन नहीं किया है अभी एंड दिस इज हाउ यू ओपन दिस. द शेड इज प्योर वाइट. सबसे पहले हम यहाँ पे शेड अप्लाई करके देखते हैं जो शेड ये एक्चुअल में है. इट्स अ पोर्सलिन वाइट कलर. दैट्स नॉट फॉर मी, इट्स अन मैच. सो हम इसमें कुछ ना कुछ मिलाएंगे. ये शेड है मेरे पास यहाँ पे 3BY, ठीक है 3BY एंड इट्स अ प्योर वाइट कलर. बट या अगर मैं कम लेके ब्लेंड करूँगी तो इतना भी स्नो वाइट नहीं दिखाएगा, बट डेफिनेटली इट्स अ वाइट कलर. इट्स नॉट फॉर मी, ठीक है इट्स नॉट फॉर मीडियम गर्ली. सो इसके अंदर शेड्स आती हैं बट ज़्यादा नहीं, 5 शेड भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं आती है. मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर 3 से 4 शेड आती है. भाई इन रियल लाइफ ना इट्स लाइक कि बहुत वाइट लग रहा है, बट इट्स वेरी ग्लोई. इट्स वेरी ग्लो, इट्स गिव यू लाइक अ वेरी स्मूथ ग्लोई, लाइक गिव यू लाइक अ वेरी ग्लोई स्किन. सो लेट्स मिक्स एंड मैच दिस. अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने सोचा है, मेरे पास यहाँ पर एक सीरम फाउंडेशन है, ये एक शेड डार्क है. सो लेट्स मिक्स विद दिस क्योंकि ये बहुत अच्छे से मुझे जाता है एंड मैंने एक बार ना अपनी फ्रेंड चहक के साथ ट्राई करा था तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था उसके साथ. यू कैन सी दैट इट्स वेरी डार्क कलर, ठीक है. सो मैंने यहाँ पर ले लिया हल्का सा एंड नाउ लेट्स मिक्स विद दिस. सो लेट्स अप्लाई दिस फर्स्ट, ठीक है थोड़ा सा मैच करने के लिए स्किन टोन से मेरी. ओके या इट्स अ डिसेंट गुड मैच. लाइन से दिख रही हैं, मुझे कंप्लीटली मिक्स करना पड़ेगा. अरे यार ये क्या ही हो गया ब्रो. इट्स लकीली वी आर डन. सो नाउ लेट्स अप्लाई द साइड. आई डोंट नो भाई इससे कैसे काम करना है. गिव मी अ वेरी वाइट स्नो फॉल लुक विच आई एम नॉट लाइकिंग इट. दिस फाउंडेशन इट्स ओन इज गुड बट मेरी शेड से मैच नहीं कर रहा भाई. ओ लाइट भाई आई कैन नॉट स्टैंड विद द कोरियन शेड रेंज.
आई नो दैट अभी टीरा टीरा ने और बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो आ गई हैं फाउंडेशन में लेके शेड रेंज, बट यार डोंट यू थिंक दे आर टू एक्सपेंसिव? मतलब नॉट टू एक्सपेंसिव बट वी हैव इंडियन ब्रांड्स जो बहुत अच्छे कुशन लाइक कवरेज वाले फाउंडेशन देती हैं, दे आर लॉन्ग लास्टिंग। लाइक फेसिस कैनेडा का 3-in-1 फाउंडेशन इज माई ऑल टाइम फेवरेट एंड यू कैन सी दैट आई मेक इट वर्क एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। सो या मैं इसे यूज़ कर लूँगी बट दोबारा लूँगी नहीं, बट भाई दिस पफ इज नॉट अ गुड क्वालिटी पफ, इट अब्सॉर्ब टू मच प्रोडक्ट। भाई क्या फ़ायदा है ऐसे पफ का जो इतना सारा प्रोडक्ट अब्सॉर्ब कर ले। सो या मैं इस बेस को कर लेती हूँ पूरा पहले। लाइक द फिनिश इट्स वेरी ग्लोई वेरी ड्यूई बट दिस फाउंडेशन रिटेल्स फॉर लाइक 3000 एंड समथिंग एंड इसके अंदर शेड रेंज नहीं है, अमेजोन मैक्रोन ऐसे कोरियन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। आई डिडेंट लाइक इट मुझे लगता है मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन इंडियन मार्केट जो मुझे बहुत अच्छी ग्लोई ड्यूई फिनिश देते हैं एंड अगर मैं उन्हें कुशन से लगाऊं तो वो कुशन फाउंडेशन से भी अच्छी फिनिश देते हैं। सो आई डिडेंट लाइक इट ना, मुझे कभी मैंने एक बार ऐसे लगाया था इसके बिना शेड मैच करे घर में लगा के देखा था जब ये आया था एंड आई रिमेंबर दैट वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ग्लोई लग रहा था बट लग तो मैं भूत की तरह ही रही थी ना, तो वो इज़ द पॉइंट यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव एंड मुझे ख़त्म करना है। आज हम यूज़ करेंगे हाउस ऑफ मेकअप का कंसीलर। ये कंसीलर सब ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर बताया था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है, इट्स काइंड ऑफ अ फुल कवरेज। आई यूज्ड इट वंस एंड आई डिडंट लाइक इट, आई डोंट नो, मुझे ये हैवी भी लगा एंड मुझे इतनी अच्छी कवरेज भी नहीं लगी। सो लेट्स अप्लाई अगेन एंड सी कि मेरी थॉट्स कुछ चेंज होती हैं इसे लेके या नहीं। सो लेट्स अप्लाई द कंसीलर। ओके इट्स गिविंग कवरेज गुड फिनिश। आई डोंट नो वेन एवर आई अप्लाई दिस कंसीलर माई स्किन लुकिंग लिटिल पैची, हाइड्रेटिंग जितना ब्रांड ने बोला था इट्स मोर लाइक अ थिक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द कंसीलर विच आई डोंट लाइक। लाइक स्विस ब्यूटी का कंसीलर ना इससे ट्वाइस थिनर, ये इतना ज़्यादा थिक है। ड्यूई स्किन लाइक फिनिश, नॉट दैट ग्लोई दो, यू कैन सी दैट इट्स नॉट गिविंग ग्लोई बट लुकिंग गुड, इट्स लाइक अ नेचुरल फिनिश कंसीलर। बट आई डोंट नो, जब भी मैं इसे खुद लगा रही हूँ ना बिना बेस के लगा रही हूँ तभी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा और मेरा बेस ना बहुत हैवी लग रहा है सर, ट्रस्ट मी। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कफ एंड लैशेस का ब्लश। ये मैंने काफ़ी बार यूज़ करा है बट ऑन कैमरा माइक भी मैंने यूज़ नहीं करा है एंड आई रियली रियली लाइक इट। इट्स अ वेरी प्रिटी सेमी मैट काइंड ऑफ अ ब्लश, वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ ये ब्लश कहीं नहीं जाता, बहुत लंबे टाइम तक रुका रहता है एंड ब्लेंड होता है बहुत इजीली। द फॉर्मुलेशन इज़ रियली गुड। ऑफ कैमरा देखोगे यू आर लाइक आई डिडेंट अप्लाई एनीथिंग। इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको ब्लश के ऊपर पाउडर लगाना पसंद नहीं है तो, मतलब ये खुद ही सेट हो जाता है, वेर सेल्फ सेटिंग फॉर्मूला। यू कैन सी दैट इट लुकिंग सो सो ब्यूटिफुल। थोड़ा सा यहाँ पे और लगाते हैं, आई वॉन्ट ब्लशी ब्लशी लुक बिकॉज इट्स फॉर यू गाइज। शेड मैंने यहाँ पे लगाई है डेस्टनी एंड इट्स रियली अ डेस्टनी, सो नेचुरली पिंकी रोज चिक्स। हाइलाइटर आई एम यूजिंग इन साइड रेडियंट फिल्टर। दिस मेकअप लुक इज वेरी नेचुरल बट ग्लोई बिकॉज फॉल इज ऑल अबाउट सिंपल ग्लोई मेकअप लुक। यू कैन सी दैट रेडियंट ग्लो इट प्रोवाइड मी एंड इट मैचेज माई स्किन, नाउ आई एम हैप्पी। गाइस आई एम यूजिंग ब्रा पेंसिल आफ्टर सो लॉन्ग, आई लव दिस ब्रा पेंसिल। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी माइक्रो ब्लेड ब्रा पेंसिल एंड यू कैन सी दैट हाउ नेचुरल इट लुकिंग। लाइक दिस इज हैंड्स डाउन ब्यूटिफुल फॉर्मूला,
very amazing. Blends just so naturally. Like give you very natural brows. Maybe that's it. That's it. I don't need too much. I want my brows to be looking very natural. Let's comb my hair with this spoolie. भाई अभी ना पता नहीं इस बार तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं हो रही है. आई डोंट नो वाई. मुझे लगा था इस टाइम तक ना सर्दी सर्दी पड़ जाएगी, लाइक बहुत सारी सर्दी पड़ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अभी. लेट्स अप्लाई लिपस्टिक. दिस इज अ पार्ल गर्ल लिपस्टिक इन द शेड पैराडाइज. इट्स अ ब्यूटिफुल कलर. Very fall color. I set everything with powder. Fall हो, winter हो, summer हो, मैं हमेशा अपना base powder से set करती हूँ. हमेशा से ये मानना है कि जब आप powder से base को set करते हो तो बेस और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. उसके बाद में आप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो जिससे कि वो एकदम नेचुरल लगे. एंड मैंने ना ऐसे पकड़ा हुआ है बिकॉज लिटरली मैं बता रही हूँ सब कुछ उड़ने वाला है. सो आई एम जस्ट सेटिंग एवरीथिंग विद लूज पाउडर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट एवरीथिंग. उसके बाद में हम थोड़ा सा आइज पे वर्क करेंगे. अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे ही मस्कारा भी लगा सकते हो, बट मुझे लगता है फॉल इज द सीजन जिसमें आपको थोड़ा सा आई मेकअप करना चाहिए. बिकॉज हम ना समर्स में तो कर ही नहीं पाते, बिकॉज समर्स में तो हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ने लगी है. अभी तो 50-50 डिग्री टेम्परेचर होने लगा है. अगर हम कहीं एसी वाली जगह पे जा रहे होते हैं तो ही हम आई मेकअप करते हैं या फुल ग्लैम करते हैं, जर्नल तो नहीं करते. सो आई वॉन्ट कि हम बहुत अच्छा सा आई मेकअप भी करें जो सिंपल हो बट येट प्रिटी हो. Setting everything. Don't worry, everything will be looking glowy जब हम setting spray लगा लेंगे एक बारी तो. My face, it's looking intact and beautiful. For our eyes, let's go for burgundy maroonish brown color. And मेरी lipstick के साथ भी बहुत अच्छे से जाएगा वो. So let's apply this. एंड इसे हल्का सा सेट होने देते हैं, ये पिगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं. लेट्स ब्लेंड एवरीथिंग विद प्रिसाइज ब्रश. एंड ये ऑलरेडी सेट हो गया होगा वैसे तो, बट आप हल्का हल्का ब्लेंड करोगे तो ये आपको एक शार्प लाइनर वाली एज प्रोवाइड कर ही देगा. यू कैन सी दैट. यू कैन स्नैच इट और यू कैन लीव इट लाइक दिस टाइट लाइन. माय लोअर लैश लाइन. This is very important. Indian आँखों पे colored liners बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. Black and brown eyes mostly. तो उसके साथ हर color contrast में जाता है. So you can see that how beautiful they are looking. Brown lip liner. Finishing the look. Whoa, lips looking good. Applying a mascara. I already talked about this mascara. I really like it. It gives you like a very combed false lash effect, which I all for. Okay, it's looking pretty. Applying a new setting spray. This is Elf Coconut setting spray. Okay, let's apply this dewy coconut mist. Firstly, let's see the fragrance. अगर ये coconut की तरह smell करता है ना, so मैं इसमें अभी ना लूँगी. Oh, it smells like coconut. Like a coconut toffee. I like this. So let's apply it. I don't like the spray. Like this spray has okay. I don't like this spray. It's too much. It's just coming on my face. Like
एकदम पानी की तरह. आई डोंट लाइक दिस स्प्रे बट इट मेल्टेड डाउन मेकअप वेरी वेल. कैमरे पे मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो या इट मेल्ट डाउन द मेकअप वेरी वेल. मिसिंग समथिंग, लेट्स अप्लाई लिटिल ग्लॉस. आई डोंट नो, ग्लॉस के बिना तो हर मेकअप लुक अधूरा है. पहले 18 की लिप ग्लॉस इन द क्लियर वेरियंट. सो दिस इज आवर फाइनल लुक एंड लेट मी इंक्रीज अ लिटिल लाइटिंग. ज़्यादा स्टेप भी नहीं करें. इट्स वेरी प्रेजेंटेबल, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. हमने अपने चेहरे के हर पोर्शन पे ध्यान दिया है, वेदर इज अ लिप्स, वेदर इज अ लाइक फेस, आईज, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग लुकिंग सो प्रिटी. एंड दिस मेकअप सेटिंग स्प्रे लाइक एल्फ का कोकोनट मेकअप सेटिंग स्प्रे इज लिटरली गुड. यू कैन सी दैट हाउ makeup looking like it's very dewy, it's end of very dewy makeup look, which is really a great thing. So our setting spray changed the whole makeup look and yeah, it's very amazing. Hope you like this video. If you like this, don't forget to like, share, subscribe and comment down below. Bye guys, see you in another video.